हेलो क्या होपफुली पुलिस होगा अब देखो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पे भाई फ्लैश हैकर के अगेंस्ट सर्वाइवल वाले बहुत सारे गेम प्लेस आ चुके लेकिन आज तक अभी तक एक भी ऐसा गेम प्ले नहीं आया जिसमें कि यार यहाँ पे अपन ने जो है वो फ्लैश हैकर वाली लॉबी में चिकन निकाला हो सो so, फाइनली यहाँ पे अपन एक ऐसा गेम प्ले लेके आ चुके हैं जिसमें कि यार यहाँ पे अपन फ्लैश हैकर लॉबी में चिकन निकालते हैं वो भी कोई ऐसा वैसा चिकन नहीं अच्छे खासे नौ से दस किल के साथ चिकन निकालेंगे और कैसे सारी चीजें रहेगी वो तो यार यहाँ पे एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा आप लोग को अब मैच में यहाँ यहाँ पे आपको ज़्यादा तो नहीं दिखाया है। लेकिन हैकर का नाम कुछ ट्रिपल एक्स करके था सो तो यहाँ पे अपन पिछले वाली वीडियोस में जैसी स्ट्रेटजी बताई थे अपन ने वैसी ही स्ट्रेटजी जो है वो ये वाले मैच में यूज़ की है लेकिन इस वाले मैच में ना थोड़ा अपना लक यहाँ पे साथ दे जाता है अब यहाँ पे जो है मेरे को पता था कि मैच के अंदर हैकर है तो यहाँ पे मेरे को किल्स तो नहीं मिलने वाले सो तो इसी वजह से जो है वो जोन के बाहर यहाँ पे मैं बंदे ढूंढने निकल जाता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे मेरे को एक बंदा भी मिलता है लेकिन ये वाले बंदे ने ना मेरे को बहुत ही हैवी सा डैमेज दे दिया था जल्दी से कवर में जाके हील मारते हैं एंड अब बारी थी बंदे के ऊपर पुश करने की सामने वाले बंदे के पास भी शायद से डी थी तो मेरे को पता था कि भाई डी से जो है यहाँ पे अपने को बच के रहना पड़ेगा मेरे पास भी शॉर्ट गन थी तो यहाँ पे मतलब एस टी की थी तो यहाँ पे मेरे को पता था कि मैं तो इसको मार दूंगा लेकिन अब यहाँ पे बंदे को मारने के साथ ही ना अपने पास सिर्फ दो ही किल्स हुए थे एंड ज़्यादा बंदे भी नहीं बचे थे सो मेरे को यहाँ पे तो लग गया था कि भाई मेरे को ये वाले मैच में ज़्यादा किल्स नहीं मिलने वाले सो मेरे को अब जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्थ किट्स कलेक्ट करके ना यहाँ पे हील बैटल के लिए ही जाना होगा तभी जाके मेरे को अच्छा प्लस मिलेगा सो अपन ऐसे ही करने वाले थे आसपास के कंपाउंड से जितनी भी हेल्थ किट्स मिलती है वो बंदे के क्रेट में से जितनी भी हेल्थ किट्स मिलती है फिर शॉप से जितनी भी हेल्थ किट्स मिलते हैं ना सारी की सारी जमा करके ना धीरे धीरे मैं जोन के क्लोज जाना चालू करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे को हील बैटल तो करना है लेकिन जोन के ज्यादा क्लोज जाके अगर हील बैटल करेंगे बाई चांस बाई चांस यहाँ पे हैकर को जो है वो कोई दूसरा हैकर मार देता है फ्लैश हैकर को तो यहाँ पे अपना काम आसान हो जाएगा अपन जोन के अंदर जाके भाई आ, यहाँ पे फिर चिकन के लिए खेल सकते एंड यहाँ पे भाई अपना लक ऐसा ही था यहाँ पे जो फ्लैश हैकर था वो कोई लेजिड प्लेयर से मरा या फिर कोई दूसरे हैकर से मरा ये तो नहीं पता था लेकिन फ्लैश हैकर जो है वो भी के लिए यहाँ पे मारा गया था एंड जोन से अभी भी अपन बहुत ज़्यादा ही दूर थे लेकिन मेरे को पता था कि मेरे पास टाइम है तो मैं जोन के अंदर कैसे भी करके पहुँच सकता हूँ एंड अगर जोन के अंदर पहुँच गया तो फिर तो यार यहाँ पे अपने हाथ से चिकन डिनर कोई भी नहीं छीन सकता और जैसे तैसे करके फाइनली यहाँ पे अपन जोन के अंदर भी पहुंच जाते हैं एंड अब बारी थी यहां पे जोन के अंदर भाई भसड़ मचाने की यो ब्रो 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 ब्रो, ब्रो। ये भी इसकी Okay, okay, भाई. I will clear, clear the hacker और ये जोन के अंदर पहुंचती सबसे पहला जो मेरे को बंदा मिलता है उसी बंदे ने यहाँ पे हैकर को मारा था और मेरे को इसके लिए खराब लगा क्योंकि ये भी शायद अपना सब्सक्राइबर था और भाई इसको मेरे को ऐसे तो नहीं मारना चाहिए था लेकिन यार मेरी भी इसमें कोई गलती थी नहीं क्योंकि बंदा जो है वो आ, मेरा सब्सक्राइबर है ये भी मेरे को नहीं पता था बस यहाँ पे आके मेरे को फुट स्टेप आया एंड मैंने सीधा बंदे को भाई शॉर्ट गन मारा थी उसके बाद उसने माइक ऑन किया था बट कोई नहीं इसके तुरंत ही बाद एक और बी वाला बंदा अच्छा था एंड इसको भी यहाँ पे अपन भर देते है बाकी तब नेक्स्ट जोन जो था वो अपने पे था तो भी है के लिए यहाँ पे जो है वो अपने को जोन के लिए निकलना था उनके अंदर ज़्यादा भी नहीं थे। जो को एक एक सही उसके ऊपर पुश करने आ जाता एंड पे पे भी ऑलरेडी बंदा था। था, और ये वाले बंदी के पास यहां पे भाई 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 थी, तो भाई मैं तो मैं इससे भाई हो सके ना उतना दूर ही रह रहा था। क्योंकि भाई ना भाई मेरी भाई भी नहीं बनती क्योंकि लेना मतलब भाई तुम्हारी मौत वहां पे बाकी तो अब जोन के अंदर यहाँ पे ज्यादा बंदे बचे थे नहीं एंड अभी भी मैं यहाँ पे जोन के अंदर था तो फिलहाल के तो अपने को यहाँ पे आराम से होल्ड करना था एंड वेट करना था कि नेक्स्ट जोन जो है वो कहाँ पे बनता है एंड अगर जोन अपने पे नहीं रहेगा तो अब यहाँ पे जो है वो अपन रोटेशन भी किस तरह से लेंगे वो सारी चीजें देखनी थी और अब लास्ट में बचे तीन महीने दो बंदों को तो अपन ने आराम से भर दिया था लेकिन अब जो लास्ट वाला बंदा बचा था ना वो यहाँ पे रिच के ऊपरी साइड वाली एरिया पे था एंड अब बंदे के पास यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज था लेकिन अच्छा खासा हाइट का एडवांटेज होने के बावजूद भी यार सामने वाले बंदे को जो है वो अपन जैसा तैसे भरी देते और अब फ्लैश हाइकर होने के बावजूद भी ये वाले मैच में अपन ने नॉकिल्स चिकन निकाला है और प्लस भी अपने को ट्वेंटी फोर का मिला हालांकि यहाँ पे मेरा लक्ष्य वो थोड़ा काम आ गया कि जो फ्लैश हैकर है वो यहाँ पे मारा जाता है नहीं तो भी यहाँ पे अपन जो है वो दस से पंद्रह का प्लस तो निकाल ही लेते तो ये स्ट्रैटेजी दोनों तरफ काम आती है अगर हैकर मर गया तो जोन के अंदर जाके चिकन के लिए खेलो एंड अगर हैकर बचा हुआ है तो जोन के बाहर हिल बैटल करके यहाँ पे अपना गेम जो है वो एंड तक देखो कि कहाँ तक जाता है प्लस तो तुमको वैसे भी मिलना ही है बाकी तो बढ़ते यार सीधा के वाले सेकेंड गेम प्ले की तरफ पहले वाला मैच जो है वो यहाँ पे भाई अच्छा खासा वीडियो का वीडियो का जो टाइम है वो कवर कवर अप कर चुका है तो ट्राई करूंगा कि सेकंड गेम प्ले जो है वो थोड़ा सा छोटा हो तो हाँ ये वाला गेम प्ले जो है वो थोड़ा सा छोटा जरूर से रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको मजा जो है वो उतना ही आने वाला है जैसा की पिछले वाले गेम प्ले में आया था अब थर्ड जोन बनती है यहाँ पे जो है वो अपन आके जोन का सेंटर पकड़ लेते हैं एंड एक दो जोन होल्ड करने के बाद फाइनली अब नेक्स्ट जोन जो था वो एक साथ शिफ्ट हो चुका था और पूरा का पूरा जो है वो ओपन का जोन था यहाँ पे एक भी कंपाउंड जो है वो जोन के अंदर नहीं था तो ओपन वाले कंपाउंड्स ना थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं क्योंकि आपको अपने हिसाब से कवर्स बनाने रहते हैं स्मोक करना रहता है हालांकि जब भी कंपाउंड्स के जोन रहते तो आप लोग को पता है कि किस लेवल का डोमिनेशन अपन करते हैं वहाँ पे भाई सिर्फ ग्रेनेड ही ग्रेनेड बचते हैं तो हाँ एक तरीके से देखोगे तो कंपाउंड्स वाले फाइट्स में ना यहाँ पे अपन एकदम ही अनबीटेबल हो जाते लेकिन ओपन वाले ओपन वाली फाइट्स में यहाँ पे भाई तुम्हारे लक के ऊपर भी रहता है फिर तुमको कवर मिला नहीं मिला ऐसी चीजें रहती है सैंडविच कभी कभी हो जाते हो लेकिन कंपाउंड्स वाले फाइट में तो भाई अपन प्योर ही भाई हर एक बंदे को धोते बाकी अभी के लिए देखो यहाँ पे अपने टोटल चार किल्स हो चुके थे एंड अभी भी यहाँ पे पांच से छह बंदे और बचे थे और मैंने दूर से भाई जोन के अंदर एक बंदा जो है वो मारा था तो मेरे को बस इस बंदे की पेट से ना लूट चाहिए थी एंड जोन नेक्स्ट जोन जो था वो भी अपने क्लोज ही था तो ज्यादा कुछ अपने को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली थी लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाला मैच भले ही छोटा है लेकिन यहां पे आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा बस देखते जाओ भाई इधर तो ये वाले बंदे का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पहले बंदा जो है वो मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था लेकिन जैसे इसको स्प्रे से डैमेज दिया अच्छा खासा भरा उसके बाद बंदा इधर जंप करने लगा खैर यहाँ पे फिर भी इसके बावजूद भी मैं बंदे को छोड़ देता लेकिन इससे पहले कि मैं फायर रोकता बंदे को जो है वो एक दो गुलियाँ लग चुकी थी एंड अब यहाँ पे जो है लास्ट के तीन और बंदे बचे थे अब मेरे लेफ्ट वाले रिच पे जो बंदा था उसको भाई ओपन से एक बंदा आके भर देता है एंड मेरे को पता था कि ये वाला एरिया खाली है तो मैं ये वाले कम, ये वाले एरिया पे आ जाता हूँ होल्ड करने के लिए एंड जिस बंदे ने इस बंदे को मारा था उसको मैं भर देता हूँ एंड अब लास्ट में यहाँ पे वन वी वन की सिचुएशन बची थी लेकिन अब यहाँ पे जो मेरे साथ एकदम ही गंदा वाला सीन होने वाला है ना बस देखो क्या होता है इधर कसम चेयर यहाँ पे सामने वाला बंदा जो था वो हैकर था या फिर क्या था मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि भाई मैं तो पूरा कवर में था एंड इसकी सारी की सारी गोलियाँ जो है मेरे को कवर में ही लगी है डेथ रिप्लाई में भी भाई यहाँ पे भाई क्लियरली दिख रहा था कि मेरे को मैं मेरे को कवर में ही सारी गोलियाँ लगी है तो मतलब पता नहीं क्या पता भाई सामने वाले बंदे को या तो भाई कुछ ना कुछ ग्लिच से दिख रहा होगा या फिर सामने वाला बंदा हैकर है और तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते बाकी तो यार बस इधर गेम प्लेगर उस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब तुम्हारी देना एंड तरफ तो से अपने दोस्तों से शेयर कर देना बाकी त्यौहार तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लव यूल गाइज